नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक का फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। RPW का ये है पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर हमने सेक्शन 74 से 83 तक का कवर किया हुआ है, चीफ कमिश्नर वगैरह का। आप दोनों पार्ट देख लेना। अभी हम देखते हैं स्पेशल कोर्ट 84 और 85, दो ही है इसमें सेक्शन स्पेशल कोर्ट के। स्पेशल कोर्ट का गठन इसलिए करा गया है कि दिव्यांगों के जो भी रिलेटेड केस वगैरह है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। उसके लिए एक स्पेशल अदालत का गठन किया जाएगा, जल्द से जल्द न्याय मिल जाए डिसेबल पर्सन को। उसके लिए उसमें लिखा है 84 में स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टेट गवर्नमेंट सोल विच विथ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ कोर्ट ऑफ सेशन टू बी स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इसमें से कहा गया है कि अगर कोई स्पेशल केस आता है दिव्यांगों से रिलेटेड, तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनके उनकी सहमति के अधीन, मतलब उनसे सहमति लेनी होगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक न्यायालय बनाया जाए, चीफ का जो भी डिसेबल पर्सन रिलेटेड केस वगैरह आते हैं तो वो ज़्यादा पेंडिंग रह जाते हैं, तो उनको एक नोटिफिकेशन के द्वारा चीफ जस्टिस के द्वारा एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल एक कोर्ट का गठन हो, जो इसमें बताया गया है ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ऑफेंस में है क्या? 89 से हम देखेंगे ऑफेंस जो है वो 89 से लेकर 92-94 तक का जो है, 95 तक का जो भी इसमें बताया है गवर्नमेंट ने कि ये सब अगर कोई डिसेबल पर्सन को परेशान करते हैं तो इसमें उनके ऊपर ये सब धाराएं लगाई जाएगी। तो ये सब अगर डिसेबल पर्सन से रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट ऑफेंस होता है तो एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मतलब आपके अगर स्टेट है तो आपके डिस्ट्रिक्ट कितने हुए तो उसमें हर एक में एक स्पेशल कोर्ट का दर्जा की तरह एक काम किया जाएगा, चीफ जस्टिस के अंडर में ऐसा कुछ करा जाएगा। एक सेशन या मतलब एक सेशन के द्वारा वो सब किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द डिसेबल पर्सन को न्याय मिल पाए। ये सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। फिर एक उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा। फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट एन एडवोकेट। 85 में ऐसा कहा गया है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा डिसेबल पर्सन को उनके केस वगैरह लड़ने के लिए, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। जो भी स्पेशल कोर्ट होगी उसके अंदर उसमें एक वकील को नियुक्त किया जा सकता है जो गवर्नमेंट का हो और जिनके पास 7 साल जितना अनुभव हो कोर्ट केस लड़ने के लिए, ऐसा कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा डिसेबल पर्सन को अपने न्याय के लिए। फिर है उसमें सेक्शन 85 में दो है, द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट अंडर सेक्शन 1 सोल बी इंटरेक्ट द रिसीव सच फीस। जिसमें हमने जो सेक्शन 1 में देखा, जो भी वकील होंगे जिनके पास 7 साल का अनुभव होगा कोर्ट केस लड़ने का, उनकी फीस वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फीस के रूल्स है उसके रिलेटेड होगी, तो उनकी फीस वगैरह जो है उसके अधीन रहेगी। ये कुछ स्पेशल कोर्ट का था, पार्ट 3 हमने कवर किया। इसमें स्पेशल कोर्ट होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस को कहा जाएगा और उनके अनुरूप एक सेशन बुलाया जाएगा स्पेशल कोर्ट का डिसेबल पर्सन को त्वरित निपटारे के लिए। उसमें डिसेबल पर्सन को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा जिसे वकील कहा जा सकता है, विचे वकील वगैरह कह सकते हैं, और उसके पास भी 7 साल का अनुभव होना चाहिए तभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, ऐसा कुछ कहना है 85 के 1 में। और जो 2 है उसमें ऐसा कहा गया है कि उसको जो भी फीस वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट के वकील की जो भी फीस होती है उसके वगैरह उसकी फीस वगैरह देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ही चैप्टर स्पेशल कोर्ट जो है वो ख़त्म होता है, पार्ट 3 भी ख़त्म होता है। तो थोड़ा सा ही था इसमें, तो स्पेशल कोर्ट का गठन भी एक अच्छी बात है RPWD Act में ताकि हमें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अभी हम पार्ट 4 में देखेंगे ऑफेंस पेनल्टीज, तो ये हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो पार्ट 3 में बस इतना ही, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं पार्ट 4 में। RPWD Act के आते रहेंगे पार्ट वगैरह, जुड़े रहना चैनल से। तो बाय बाय एंड टेक केयर।